कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के सेकंड लेक्चर में, जिसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी अबाउट द वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, जिसमें हमने पढ़ा था अबाउट द फर्स्ट पैरामीटर दैट वाज द सस्पेंडेड सॉलिड्स। सो अभी फिलहाल मूव कर रहे हैं अबाउट द सेकंड पैरामीटर, एंड दैट पैरामीटर इज नोन एज टर्बिडिटी। टर्बिडिटी के बारे में अगर बात करें, वॉट इज टर्बिडिटी, तो हम यहाँ पर सीधी सीधी सी बात कर सकते हैं सर, टर्बिडिटी किसी भी वॉटर की वो प्रॉपर्टी है जो कि उसमें से लाइट पास करने से रोकती है। तो सवाल यह आता है कि अगर किसी वॉटर में से लाइट पास नहीं कर पा रहा है तो वॉट आर द बेसिक रीजंस बिहाइंड दैट। सो हम वहां पर ये बोल सकते हैं कि सर वो जो पर्टिकुलर वाटर सैंपल होगा जिसमें से वाटर अगर पास नहीं कर पा रहा है तो उसका बेसिक रीजन होगा कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो कि उस पानी के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, एंड सच पार्टिकल्स आर नथिंग बट दोज आर नोन एज सस्पेंडेड सॉलिड्स। सो इसका मतलब मैं यहां पर बोल सकता हूं कि जो टर्बिडिटी है, टर्बिडिटी किसी और कारण से नहीं बल्कि दैट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड्स। इसका मतलब जितने इंपैक्ट्स हम लोगों ने पढ़े थे अबाउट द सस्पेंडेड सॉलिड्स, वही सारे के सारे इंपैक्ट्स आपकी टर्बिडिटी के भी होंगे इन द वॉटर। सो इसका मतलब बोला जा सकता है दैट इंपैक्ट ऑफ टर्बिडिटी विल बी इक्वल टू द इंपैक्ट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स। वहीं इसके अलावा अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि ये किसी लाइट किसी वॉटर की वो प्रॉपर्टी है जो कि लाइट के पैसेज को रोक रही है, तो ये श्योर है कि अगर लाइट पास नहीं कर पा रही है और मैं उसके बारे में स्टडी कर रहा हूं किसी वाटर बॉडी में, तो ये हम जान सकते हैं कि सर अगर टर्बिड वाटर होगा तो वाटर बॉडी में से भी वाटर पास नहीं कर पाएगा, और अगर वाटर बॉडी में वाटर पास नहीं कर पा रहा है सो इट विल ऑल्सो अफेक्ट दिस टर्बिडिटी विल ऑल्सो अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बाय द सनलाइट। इसका मतलब कि अगर सर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता तो उससे इवॉल्व होने वाली जो ऑक्सीजन गैस है वो भी उस वाटर बॉडी में कम मिलेगी, जिसके कारण ऑक्सीडेशन प्रोसेस दैट इज दैट हेल्प्स इन द सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो टर्बिडिटी के बारे में बात कर रहे हो अगर आप, तो उसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स के तो सारे इंपैक्ट होंगे ही होंगे, बट इसके अलावा ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को भी काफी हद तक अफेक्ट कर देता है। इसका मतलब कि ये सेल्फ प्यूरिफिकेशन के रेट को भी कम कर देगा प्रेजेंस ऑफ टर्बिडिटी। तो अब ये तो बात समझ में आती है कि किसी भी अगर वाटर सैंपल के अंदर टर्बिडिटी प्रेजेंट है तो मुझे उसको रिमूव करना चाहिए, लेकिन रिमूवल के पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा, मुझे ये मेजर करना पड़ेगा कि गिवन वाटर सैंपल के अंदर कितनी टर्बिडिटी की वैल्यू है। सो यहां पर अभी बात करते हैं हम लोग कि ये जो टर्बिडिटी है इस टर्बिडिटी को हम किस तरह से मेजर किया कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक विल बी द मेजरमेंट ऑफ टर्बिडिटी। मेजरमेंट कैसे किया जाए तो उसके लिए देखिए काफी सारे मेथड्स हैं। अभी सबसे पहला सबसे बेसिक सिंपल सा मेथड ले रहा हूं आपके सामने, दैट इज द यूज ऑफ टर्बिडिटी रॉड। टर्बिडिटी रॉड क्या होती है तो देखिए जैसा कि नाम बता रहा है ये एक रॉड है जिससे मेजर कर रहे हो आप क्या टर्बिडिटी। अगर टर्बिडिटी मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, एज द टर्बिडिटी इज द रेजिस्टेंस टू पास द लाइट थ्रू अ वाटर सैंपल, यू कैन सी दैट आप यहाँ पे चेक करोगे वेदर लाइट कैन पास थ्रू द गिवन वाटर सैंपल और नॉट। सो हम यहाँ पर एक रॉड का यूज करेंगे, जो रॉड होगी दैट इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, वेयर एज दिस रॉड विल हैव अ टिप ऑफ प्लैटिनम। As we all know that this platinum is actually used in the jewelries because of its high brightness, high reflection property. So हम ये समझ सकते हैं कि सर अगर ये platinum की टिप होगी तो ये बहुत ज्यादा चमकती होगी। हम क्या करते हैं, ये जो particular turbidity rod है इसको जिस भी given water sample की turbidity निकालनी होगी उस water sample के अंदर हम इसको insert करते हैं, और धीरे 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 ये जो turbidity rod होगी इसकी हम लोग धीरे धीरे depth in the water increase करते चले जाते है। ये जो वाटर सैंपल है हो सकता है कि ये फील्ड पर हो, या ये भी हो सकता है कि ये लैब में आपने किसी कंटेनर के अंदर वाटर स्टोर करके रखा हो। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं दैट द टर्बिडिटी रॉड कैन बी यूज्ड फॉर बोथ द
द फील्ड एज वेल एज फॉर द लैब टेस्ट. लेकिन ये जो पर्टिकुलर टेस्ट होगा इसमें आप क्या नोट डाउन करोगे, तो आप यहां पर नोट डाउन करोगे बाय द यूज ऑफ नेकेड आईज, ये नोट डाउन करोगे कि क्या आपको ये जो प्लेटिनम टिप है ये साफ साफ दिख रही है कि नहीं. पक्की बात है ये जो टिप है ये दिखेगी सिर्फ तभी व्हेन द लाइट कमिंग फ्रॉम द टिप विल रीच द आई ऑफ द ऑब्जर्वर. सो इसका मतलब दिस विल बी द डिस्टेंस दैट विल बी ट्रेवल्ड बाय द लाइट रे टू रीच अवर आईज एंड द प्लेटिनम टिप विल बिकम विजिबल टू अस. सो बट दिक्कत यहां पर ये आ जाएगी कि एज वी इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द टर्बिडिटी रॉड इन द वॉटर द लेंथ ऑफ दिस पाथ विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड हेंस बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वॉटर देयर विल बी सम डेप्थ व्हेन द टिप ऑफ द प्लेटिनम विल बिकम इनविजिबल टू अस बाय द यूज ऑफ नेकेड आईज. हम वही डेप्थ नोट डाउन कर लेंगे कि कितनी डेप्थ पर ये टिप दिखना बंद हो जाती है. यहां पर हम साफ साफ बोल सकते हैं कि सर अगर ज्यादा डेप्थ तक की भी नीचे प्रेजेंट प्लेटिनम टिप को अगर मैं देख पा रहा हूं इसका मतलब दैट वाटर विल बी रिलेटिवली क्लियरर. और अगर वो ज्यादा क्लियर है इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर ये डेप्थ ज्यादा हुई इसका मतलब जो वाटर होगा उसके अंदर टर्बिडिटी की वैल्यू भी काफी कम होगी. सो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं दैट डेप्थ विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द turbidity. More is the depth, lesser will be the turbidity, clearer will be the water. हम यहाँ पर simply experiments conduct करके बार बार अलग अलग depth पर known solution में check कर लेंगे कि कितनी कितनी depth आ रही है और उसके हिसाब से depth और turbidity में एक relation produce किया जाता है जिसकी values हम लोग standard table से read out कर सकते हैं. But यहाँ पर पक्की बात है engineering level, BE level पर हम लोगों को इतने depth पे सवाल नहीं आते कि अगर इतनी depth होगी तो what will be the value of turbidity, but basic concept जरूर हम यहाँ पर समझ सकते हैं. लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी problem आती है, ये जो turbidity rod का आप use कर रहे हो, as we can see that the observation is taken by the naked eye, और ये हम सभी जानते हैं कि सर कोई जरूरी नहीं है हर observer की eye का power भी equal हो. जैसे कि अगर मेरे को चश्मे लगे हुए हैं तो of course मेरी eyes कुछ कमजोर है than a particular person जिसको बिल्कुल भी चश्मे नहीं लगे. So of course हो सकता है कि जो मैं यहाँ पर depth note करूँ वो शायद कुछ कम डेप्थ पर ही मेरे को दिखना बंद हो जाए. So, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं यहां पर that the depth noted by the different observers will vary. So that means we cannot depend much upon the results of this turbidity rod. So we can say that the method is an approximate method. Plus ये ना सिर्फ approximate है plus it will give us a very errorful results especially if the value of turbidity is very less. अगर ट्रेविटी की वैल्यू बहुत कम होगी तो वहां पर कहीं ज्यादा चांसेस होंगे कि हम वहां पर बहुत सारे एररफुल रिजल्ट्स निकाल ले. इसीलिए जब भी ट्रेविटी की वैल्यू कम होती है आप टर्बिडिटी रॉड मेथड का यूज नहीं करते, स्पेशली इफ द मेथड इज यूज्ड टू चेक द वाटर दैट इज टू बी सप्लाइड इन द सिटीज. सो इसका मतलब इट इज नॉट यूज्ड फॉर सप्लाई वाटर, लिखा जा सकता है दैट इट इज नॉट यूज्ड फॉर सप्लाई वाटर. क्लियर है? ये सारे के सारे पॉइंट्स मुझे बहुत इजीली समझ में आते हैं. बहुत सिंपल सा मेथड था दैट इज द यूज ऑफ टर्बिडिटी रॉड. वैसे अगर बात करें एक और मेथड है इसी के सिमिलर, बहुत सिंपल सा मेथड है एंड दैट सेकंड मेथड इज नोन एज जैक्सन टर्बिडिटी मीटर. जैक्सन टर्बिडिटी मीटर जैसा कि नाम बता रहा है हम यहां पर देख कर बता सकते हैं दैट दिस मीटर विल वॉज गिवन बाय द जैक्सन. जैक्सन ने जो मीटर दिया था वो बहुत सिंपल सा मेथड था. उन्होंने एक स्टैंडर्ड कंटेनर दिया था जिसका जो बॉटम था दैट वाज ट्रांसपेरेंट. ये जो ट्रांसपेरेंट बॉटम था इसके नीचे रखा जाता था एक लाइट का सोर्स. लाइट के सोर्स के तौर पे उसने इनिशियली यूज करा एक कैंडल. इसीलिए कई बार जो जैक्सन टर्बिडिटी मीटर है उसी को बुलाया जाता है एज कैंडल टर्बिडिटी मीटर. दैट इज ऑल्सो नोन एज कैंडल टर्बिडिटी मीटर एज द कैंडल इज यूज्ड एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर टू मेजर द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू दैट पर्टिकुलर वॉटर सैंपल. हम क्या करते हैं यहां पर कि जो भी हमारा स्टैंडर्ड कंटेनर है उसके अंदर धीरे 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 इसके अंदर वाटर ऐड करते चले जाते हैं एंड एज वी ऐड द वाटर इन द कंटेनर डेप्थ ऑफ द वाटर लेवल इन दिस कंटेनर विल कीप ऑन increasing and as the depth increases we observe
whether the image of this flame is visible from the top or not. हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि क्या ये ऊपर से देखने पर मेरे को कैंडल की इमेज दिख पा रही है कि नहीं दिख पा रही. धीरे 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 वाटर लेवल बढ़ाया जाता है और वो डेप्थ नोट कर ली जाती है जिस डेप्थ पर मुझे ये कैंडल फ्लेम की इमेज दिखना बंद कर देती है. सो इसका मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ दैट द मेथड इज सेम एज दैट ऑफ द टर्बिडिटी रॉड. बट व्हाट इज द डिफरेंस? इन द टर्बिडिटी रॉड यू आर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ the depth of turbidity rod, whereas here you are measuring the depth of water level filled in the container. But दोनों ही जगह पे हम लोग क्योंकि depth ही note down कर रहे हैं and that depth is actually directly proportional to the length of the light path, we can say that again that the depth noted will be inversely proportional to the turbidity present in that particular water sample. जितनी ज्यादा turbidity होगी उतनी ही वहां पर depth काफी कम मिलेगी. So again, लेकिन सवाल वहां पर ये भी आता है कि जैसे आपने यहाँ पर बात करी थी that you are using the naked eyes and the power of naked eyes of the different observers varies. Similarly, मैं यहाँ पर भी बोल सकता हूँ that this method is also approximate method. So again, this is an approximate method and it is not used for, किसके लिए use नहीं करते इसको? It is not used for drinking water or supply water. So ये जो दो methods है, ये दोनों ही methods, अब सवाल ये आता है कि सर ये दो methods हम लोगों ने पढ़े क्यों यहाँ पर? क्योंकि as an engineer हम लोग तो यहाँ पर study करना चाह रहे थे about the सप्लाई वाटर. तो सर सप्लाई वाटर के लिए ये दोनों क्यों पढ़ा? नहीं नहीं बिल्कुल भी सही बात है, हम लोग यहाँ पर सप्लाई वाटर के लिए स्टडी नहीं कर रहे हैं. ये जो दोनों मेथड्स है, ये दोनों ही मेथड्स यूज किए जाते हैं स्पेशली फॉर द वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स. सो वेस्ट वाटर के लिए ये दोनों प्रेफर करे जाते हैं. लेकिन अब सवाल ये आता है कि सर जो भी आपने डेप्थ नोट डाउन करी है, मानते हैं उसको आप कैलिब्रेट तो कर रहे हो और डेप्थ के रिस्पेक्ट में टर्बिडिटी की वैल्यू निकाल लोगे, लेकिन इन दोनों मेथड से अगर टर्बिडिटी की वैल्यू निकाली जा रही है तो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ टर्बिडिटी? सवाल ये आता है कि अगर आप इन दोनों से मेजर कर रहे हो तो यूनिट क्या होगी टर्बिडिटी की? तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो पहली यूनिट है, द फर्स्ट यूनिट ऑफ टर्बिडिटी इज सिलिका यूनिट. व्हाट इज सिलिका यूनिट? सवाल ये आता है. तो अभी यहाँ पर सिंपल सी एक छोटी सी डेफिनेशन आप लोगों को समझा रहा हूं. बहुत ध्यान से सुनिएगा कि वन सिलिका यूनिट टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है. क्या डेफिनेशन है? कि अगर आप एक डिस्टिल्ड वाटर सैंपल के अंदर 1 लीटर का सैंपल लेते हुए 1 मिलीग्राम ऑफ सिलिका इन द फॉर्म ऑफ SiO2 एड कर दो, तो जो टर्बिडिटी मिलेगी उसको आप क्या बोल देते हो? एज अ वन सिलिका यूनिट. सिंपल से वापस से मैं इंग्लिश में रिपीट करता हूं आप सभी के लिए. व्हाट इज वन सिलिका यूनिट टर्बिडिटी? इट इज द टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग 1 मिलीग्राम ऑफ सिलिका इन द फॉर्म ऑफ SiO2 इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर. सिंपल सी बात है. तो सिमिलरली अगर मान लें मैं बोल रहा हूं कि दैट द टर्बिडिटी इज 5 सिलिका यूनिट, तो 5 सिलिका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका मतलब होगा दैट इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर 5 मिलीग्राम ऑफ सिलिका इज एडेड इन द फॉर्म ऑफ SiO2. सो 1 सिलिका यूनिट का मतलब क्या होगा? 1 मिलीग्राम ऑफ सिलिका इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल वाटर, बट सिलिका इज इन द फॉर्म ऑफ SiO2. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हो जाती है. हम इतना ही याद रखेंगे क्योंकि देखिए हमारे पास इतना सारा मटेरियल है कि अगर मैं नोट्स बनाना चाह रहा हूं तो नोट्स कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा. छोटे छोटे नोट्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स रहेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे तो बहुत ईजी होता है पढ़ने के लिए, कैरी करने के लिए. डर नहीं लगता अगर मोटी मोटी कॉपीज ना हो तो. इसलिए कोशिश ये करेंगे हम कि जो भी नोट्स बनेंगे वो बहुत छोटे छोटे बनाएंगे. और ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी वीडियोस बना रहा हूं मैं, आप लोग इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने के लिए अपने प्रॉपर नोट्स भी बना रहे होंगे. देखिए ये वीडियोस चल रहे हैं, ये मैं साफ साफ बोलूंगा, कोई ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ही जब भी पढ़ने का मूड हो आप हर हमेशा ये वीडियोस ओपन करें ही करें. इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा, अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, एग्जाम्स में एक्सेल करना चाहते हो, सिलेक्ट होना चाहते हो, तो ये नोट्स, ये वीडियो लेक्चर्स को ध्यानपूर्वक सुनें और साथ ही साथ अपने नोट्स भी प्रॉपरली बनाएं जिनको आप कैरी करके ले जा सकते हो टिल द एग्जाम रूम. सो ऑफकोर्स इसलिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि जो भी आप नोट्स बनाए बहुत पॉइंट वाइज छोटे छोटे से पॉइंट्स में बनाए, ना कि इसकी पूरी एग्जैक्ट डेफिनेशन. देखिए डेफिनेशन लिखवाना बहुत आसान है,
इसे पूरी डेफिनेशन वापस से बोल देता हूं. व्हाट इज वन सिलिका यूनिट? वन सिलिका यूनिट इज द टर्बिडिटी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग 1 मिलीग्राम ऑफ सिलिका इन द फॉर्म ऑफ SiO2 इन हाउ मेनी लीटर? इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वॉटर. देखिए ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन, इसी की सिमिलर एक और डेफिनेशन आती है. लेकिन अगर मान लिया आप यही आप टर्बिडिटी मेजर कर रहे हो यूजिंग द जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, देन द यूनिट ऑफ टर्बिडिटी इज नोन एज JTU. एंड JTU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो जैसे आप जैक्सन टर्बिडिटी मीटर से मेजर कर रहे हो, द यूनिट नेम विल बी नोन एज जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट. सिंपल सा नाम है JTU. सो ये ध्यान रखेंगे. अभी आज इस वीडियो में लेक्चर में मैंने सीखा कि हम टर्बिडिटी को कैसे मेजर करेंगे. दो मेथड्स हमने अभी पढ़े, दो मेथड्स अभी और बाकी हैं. जो दो मेथड्स बहुत ज्यादा सिंपल है, सिमिलर है. आगे बढ़ता हूं लेकिन एक बार थोड़ा सा वापस से क्विक रिवीजन कर लिया जाए. व्हाट इज टर्बिडिटी? टर्बिडिटी के बारे में जाना कि भैया दैट इज द रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू द वॉटर. वेयर एज ये टर्बिडिटी के इंपैक्ट क्या होंगे? तो सर जितने इंपैक्ट सस्पेंडेड सॉलिड्स के थे वो सारे के सारे होंगे. एंड इसके अलावा एक्स्ट्रा फोटोसिंथेसिस में भी हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा. टर्बिडिटी मेजर करने के लिए पहला मेथड था टर्बिडिटी रॉड, लेकिन ये भी एक अप्रोक्सीमेट मेथड था. जबकि इसके अलावा सिमिलर था जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, लेकिन ये भी एक अप्रोक्सीमेट मेथड था. हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा दो मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टर्बिडिटी. अगले दो मेथड है उनका नाम है दैट इज द यूज ऑफ बेलीज टर्बिडिटी मीटर एंड द यूज ऑफ नेफ्लोमीटर. सवाल ये आता है कि दोनों का नाम साथ साथ क्यों लिखा है मैंने. सवाल सिंपल सा आंसर है कि नहीं भाई, दोनों जो मेथड्स है, बोथ द मेथड्स आर एक्चुअली सिमिलर टू ईच अदर. जो इनका यहाँ पर कंस्ट्रक्शन यूनिट है, डिवाइस है, ऑलमोस्ट सिमिलर है. दोनों के दोनों ही एक्चुअली एक बॉक्स होते हैं एंड द बॉक्स इज पेंटेड बाय द ब्लैक कलर फ्रॉम इनसाइड. सो ब्लैक कलर से पेंट रहता है एक बॉक्स, जिसमें एक तरफ यहां प्रेजेंट रहता है एक लाइट का सोर्स. लाइट के सोर्स पे मैं यहां पर दिखा रहा हूं एक बल्ब. मान लेते हैं ये जो बल्ब है, ये बल्ब लाइट का सोर्स के तौर पर यूज हो रहा है. वहीं इसके अलावा अगर बात करिए तो सामने की तरफ प्रेजेंट रहती है ट्यूब्स ऑफ वॉटर सैंपल. लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जो डायग्राम है इसके अंदर सिर्फ एक ही ट्यूब दिख रही है, जबकि अगर बात करें तो टोटल दो ट्यूब्स रहती है, एक के पीछे एक, जो कि यहां से सामने से देखने पर मुझे सिर्फ एक ही ट्यूब दिख रही है. जो दोनों ट्यूब्स है उनके सामने यहां पर प्रेजेंट है लाइट सोर्स के फॉर्म में बल्ब. So, यहां पर हम क्या करते हैं, जैसे इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द मेजरमेंट ऑफ टर्बिडिटी, कि हम लाइट के लाइट का पाथ की लेंथ निकाल रहे थे. सिमिलरली यहां हम क्या करते हैं, ये जो बल्ब है इसमें से जो आने वाली लाइट है उसको पास करवाते थ्रू दिस वॉटर सैंपल ट्यूब्स. लेकिन यहां पर ध्यान रखना कि जो दो ट्यूब्स होंगी उन दोनों ट्यूब्स में एक में तो होता है आपका वॉटर सैंपल. वॉटर सैंपल मीन्स वो वॉटर जिसकी टर्बिडिटी आपको निकालनी है. वहीं इसके अलावा जो दूसरी ट्यूब होती है इसके अंदर प्रेजेंट होता है स्टैंडर्ड सैंपल. स्टैंडर्ड सैंपल मीन्स वो सैंपल जिसकी टर्बिडिटी आपको ऑलरेडी पहले से पता है. हम क्या करते हैं यहां पर से, ये जो दोनों ट्यूब्स हैं दोनों को सेम डिस्टेंस पर रखा जाता है फ्रॉम द वॉटर फ्रॉम द लाइट सोर्स. एंड ये नोट डाउन किया जाता है कि यहां प्रेजेंट जो भी वॉटर है इन ट्यूब्स में, इसमें से पास करने के बाद इधर कितनी लाइट आ गई है. हम मेजर करते हैं व्हाट इज द लाइट व्हिच पासेस थ्रू दीज ट्यूब्स एंड रीच दिस साइड्स. यहां कितनी लाइट पहुंच गई है ये मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर प्लेस करते हैं ऐसे डिवाइस व्हिच प्रोड्यूसेस द ईएमएफ when light strikes on it, and the value of EMF produced depends upon the intensity of light. Such devices are known as photometers. So, इधर आप place करते हो क्या? Photometers. Photometers EMF produce करते हैं depending upon what is the intensity of light that is falling on them. So, if both the photometers are producing the same value of EMF, we can say that both photometers are subjected to the same intensity of light. And as we can say that these tubes are at the same distance from the bulb, you can say that the value of intensity of light incidenting on those two tubes will be equal. And if the intensity
of light passing through them is also equal, you can say that both will have the same turbidity. इसका मतलब कि अगर यहाँ पर दोनों ही जगह light same intensity की आ रही है, आप ये बोल सकते हो कि इन दोनों tubes की टर्बिडिटी की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी. स्टैंडर्ड सैंपल की टर्बिडिटी तो आपको ऑलरेडी पता है, इसका मतलब जितनी इसकी होगी उतनी ही टर्बिडिटी आपके वाटर सैंपल की होगी. अगर मान ले ईएमएफ यहां पर दोनों का मैच नहीं कर रहा है तो आप ये बोल सकते हो कि नहीं भाई, जो स्टैंडर्ड सैंपल है और वाटर सैंपल है उन दोनों की टर्बिडिटी अलग अलग है, हम क्या करेंगे, ये जो स्टैंडर्ड सैंपल है इसको चेंज कर देंगे. हमें हर स्टैंडर्ड सैंपल की टर्बिडिटी ऑलरेडी पता है, अलग अलग स्टैंडर्ड सैंपल रख के चेक करेंगे कि ये जो वाटर सैंपल है कौन से सैंपल के साथ मैच कर रहा है. जिसके साथ भी मैच कर गया हम ये बोल देंगे दैट द टर्बिडिटी ऑफ द स्टैंडर्ड सैंपल विल बी इक्वल टू द वाटर सैंपल. सो यहां पर आप मैच कर रहे हो टर्बिडिटी ऑफ द गिवन वाटर सैंपल एंड द स्टैंडर्ड वाटर सैंपल्स. बट सवाल ये आता है कि यहां जो पर्टिकुलर लाइट पहुंचेगी वो लाइट होगी दैट वॉज नॉट एब्जॉर्ब बाय द सस्पेंडेड सॉलिड्स प्रेजेंट इन दिस वाटर सैंपल. That means you can say that this light which you are measuring in the direction of incidence, that light will depend upon the absorption capacity of the water sample. Hence we can say that if you are measuring the light in this direction, this photometers are based on concept principle, are based on absorption principle. And among these two, Bailey's turbidity meter is based on concept principle, is based on absorption principle. That means it measures light in the direction of incidence. Whereas, अगर मान ले मैं यहाँ पर फोटोमीटर लगाता हूँ इस तरह से, तो पक्की बात है सर इधर से इस तरफ वही लाइट जा पाएगी that was scattered by the suspended solids present in the water sample. That means यहाँ जो भी लाइट आई या यहाँ जो लाइट आई अगर मैच कर रही है, इसका मतलब क्या होगा, अगेन दैट बोथ द ट्यूब्स हैव सेम वैल्यू ऑफ टर्बिडिटी. दैट मींस अगेन यू कैन से दैट द टर्बिडिटी ऑफ द स्टैंडर्ड वाटर सैंपल विल बी इक्वल टू द टर्बिडिटी ऑफ आवर वाटर सैंपल. बट क्योंकि आप यहां और यहां वाटर सैंपल की लाइट मेजर कर रहे हो, यू कैन से दैट द मेथड्स आर बेस्ड ऑन द स्कैटरिंग प्रिंसिपल, बिकॉज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वही लाइट जा पाएगी दैट वॉज स्कैटर्ड बाय द सस्पेंडेड सॉलिड्स. एंड अमंग दीज टू द नेफ्लोमीटर इज एक्चुअली बेस्ड ऑन व्हाट प्रिंसिपल, दैट इज अ स्कैटरिंग प्रिंसिपल. स्कैटरिंग प्रिंसिपल मीन्स दैट यू आर एक्चुअली मेजरिंग द लाइट इन द डायरेक्शन ऑफ इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस. सो दीज आर बेस्ड ऑन द स्कैटरिंग प्रिंसिपल. स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे एकमात्र यही डिवाइस नहीं है बट ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है इसलिए इसका नाम यूज किया जाता है. और अगर आप नेफ्लोमीटर का यूज कर रहे हो देन द यूनिट ऑफ टर्बिडिटी इज नोन एज NTU. बट ये जो NTU है दैट इज फॉर द डिवाइस ओनली नोन एज नेफ्लोमीटर. बट देयर आर मेनी अदर डिवाइसेस दैट आर बेस्ड ऑन द स्कैटरिंग प्रिंसिपल. एंड फॉर ऑल दोज devices that are based on scattering principle, the general unit for those particular devices is your FTU. FTU ka full form kya hoga, wo dhyan rakhna, that is a Formazine turbidity unit. What is Formazine turbidity unit? It is अगेन इसकी भी यहां पर डेफिनेशन दी जा सकती है कि सर FTU क्या होता है. तो जैसे इसके पहले मैंने डेफिनेशन दी अबाउट द सिलिका यूनिट, याद होगा आप लोगों को व्हाट इज वन सिलिका यूनिट. वन सिलिका यूनिट इज अ टर्बिडिटी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एडिशन ऑफ 1 मिलीग्राम ऑफ सिलिका इन द फॉर्म ऑफ SiO2 इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर. सिमिलरली व्हाट इज 1 FTU? 1 FTU इज एक्चुअली द टर्बिडिटी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एडिशन ऑफ व्हाट, बाय द एडिशन ऑफ 1 milligram of formazine in 1 liter of formazine in 1 liter of distilled water. So similarly, agar sawal puchha hai, what is 5
FTU, 5 FTU हो जाएगा, that is the turbidity which is produced by adding 5 milligram of formazine in 1 liter of distilled water. So इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात है, sir, FTU की definition हमको बहुत easily, clearly समझ में आती है. ये जो FTU है, FTU का सवाल आया था, directly definition पूछी गई है आपको गेट में already. So previous year questions को हम लोग लेंगे अभी, धीरे-धीरे गेट के ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे हमारे standard textbooks हैं, उनके भी questions हम लोग यहाँ पर solve करके चेक करेंगे कि क्या ये जो कंसेप्ट जो अभी हम लोग सीख रहे हैं ये अगर अच्छे से आते हैं तो क्या हमें सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली क्लियरली समझ में आते हैं कि नहीं. सो लगातार बने रहे, ये तो था हमारा दूसरा वीडियो ऑन द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसमें पहला हमने पढ़ा अबाउट द सस्पेंडेड सॉलिड्स और इस वीडियो में हमने पढ़ा अबाउट द मेजरमेंट ऑफ टर्बिडिटी. सो मेरे साथ लगातार बने रहे, डेली आप लोगों के लिए एक एक वीडियो देने की पूरी कोशिश करूंगा. आशा करता हूं ये वीडियोस आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएंगे.